तो मैं मम्मी बोलेगी सोनिया पटर पटर बोलती है। तो ये हमारा है छोटा क्रच हमारे घर में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज रक्षाबंधन है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रात के 9 बजे मुहूर्त है। आई एम नॉट इतना बिलीवर कि मुहूर्त के हिसाब से सब कुछ करूँ, बट सिस्टर्स वगैरह सब बिलीव करती हैं। व्हेन इट कम्स टू ब्रदर तो और ज़्यादा एक्चुअली कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं मुहूर्त के हिसाब से चलना है। पहले एक टाइम तक सुबह का मुहूर्त होता था, हम लेट पहुँचते थे, और अब ऐसा टाइम आ गया कि हम सुबह जल्दी उठ चुके थे बट मुहूर्त रात का है, तो हमने सोचा कि अभी जल्दी जाके क्या करना है। बच्चे वाले हो गए तो अब लगता है कि यार पूरा दिन वहाँ पे कुकू परेशान ना हो जाए, और बच्चे परेशान हो जाते हैं एक्चुअली, इनको अपना एक नैप का टाइम होता है, सब कुछ होता है। इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट चलते हैं। जाऊंगी, नहा लिया, सब कुछ कर लिया, खा भी लिया एक्चुअली। जनरली हम लोग नहीं खाते हैं, वो हमारे पहाड़ी में होता है कि जब तक राखी नहीं बांधते तब तक हम कुछ खा भी नहीं सकते। चाय वाय पी सकते हैं बट कुछ खा नहीं सकते। बट क्योंकि अभी रात के 9 बजे था मुहूर्त, तो मम्मी ने बोला कि खा पी लो, अब इतना रात तक तो नहीं वेट कर सकता कोई। रात को क्योंकि कुकू के साथ जगना ही होता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेहंदी लगा ही लेते, जागरण करना ही है, 4 बजाना ही है, तो मैं क्यों ना एक हाथ की मेहंदी तो मैं लगा ही सकती हूँ। और थोड़ा सा जब तक फेस्टिव जो फीलिंग आती है ना, वो इन्हीं चीज़ों से आती है। कुछ कुछ करते रहो ना, कुछ डिफरेंट जो तुम नॉर्मली नहीं करते हो। तो मैंने एक्चुअली पंखा ऑफ कर रखा है, तो उस वजह से मुझे पसीने आ रहे हैं। हाँ, तो मुझे अब तैयार होना है। कुक्कू तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, नहा वहा के कपड़े वड़े पहन लिए। लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि कुक्कू बीमार था और उसको हार्डली 2 महीने भी नहीं हुए थे, और इस वजह से हम गए नहीं। तो टेक्निकली जो है कुक्कू की फर्स्ट राखी है। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट ये मुहूर्त ने सब गड़बड़ कर दिया। अभी मैं तैयार होती हूँ और उसके बाद लेट्स सी कैसा रहता है वहाँ पे। A few moments later. We are headed towards Delhi. और दिल्ली का माहौल as usual वैसा ही है जैसा होता है, a lot of traffic. We are at Kashmiri Gate. और actually हमें Kashmiri Gate से ही जाम मिलना शुरू हुआ। बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी। ऐसे ही रहता है हमेशा राखी वाले दिन, तो बड़ी बात है नहीं। बड़ी बात यह है कि रात को राखी बांधनी है, which is जो मैं चाहिए था शुरू से। चाहिए था मेरी मॉर्निंग में तो सुबह नाइट में बन रही है। जब नाइट करता जब मॉर्निंग में भागो। मेन तो मुझे ये लग रहा है कि अब टाइम से पहुंच जाएंगे, 9 से पहले पहुंच जाएंगे, 9 बजे का। 9 वाली बात नहीं कर रही मैं, 9 का मुहूर्त है ना, तो वाली बात नहीं कर रही मैं। वो जो फोटो वोटो खींचनी थी ना, ये जो मेकअप किया इतना, और मैंने ऐसे आपको दिखाया भी नहीं ये मैंने सूट कौन सा पहना हुआ। मैंने सोचा कि जब गाड़ी में बैठूंगी ना तब बनाऊंगी, और गाड़ी में बैठ के तो फिर पीछे शायदा की तबीयत सी खराब सी हो गई। निकलने से पहले कुछ खा लिया था खाना वाना, तो उसने तो मैंने बोला था खा ले। सो आई एम दी कल्प्रिट। कुकू जग गया है, जगते ही इसने अपने हथियारे हथियार उठाने लग गया है। चलो अच्छा, थोड़ी स्नैप हो गई कुकू की, थोड़ा सा फ्रेश रहेगा, नहीं तो वहाँ पे रोता रहता। तो जाम में से खुलता हुआ नजर आ रहा है, बट लेट्स सी आगे सब ठीक ठाक रहे। मेन मजनू का टीला है ना, वहाँ पे बहुत जाम मिलता है, बस वहाँ ना मिले तो हम टाइम से पहुँच जाएंगे। हमें टाइम से निकलना चाहिए था, जो कि हम नहीं निकले हैं because of him. तो हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। Just shut up. कुकू कुकू क्या कर ले मेरे बेटा, नींद पूरी हो गई, क्या करते हो तुम शैतानी। सबसे मिलेंगे ना तब थोड़ा सा मुझे वो जोश आएगा जो मेरी शक्ल में चला गया ना अभी जोश। 12 बज गए। मैच कर रहा है कुर्ता और सूट, मैच कर रहा है, तभी तो बोला आपको पहनने के लिए। अच्छा तो ये साजिश थी। मैं कहा लगा घर पहुंचते थोड़ा जोश लाती हूँ, फिर करते हैं बात। और हाँ, मैंने मेहंदी अच्छे से दिखाई नहीं थी।
तुम तो सुबह कह रही अच्छी नहीं लगी है। वैसे डिजाइन इतना बेहतरीन नहीं है बट ठीक ही लगता है, रचने के बाद सब बढ़िया लगता है। भाई था हमारा नंबर को भाई था, मैं भी खाऊंगा मैं भी खाऊंगा। बिंदी कैसे लगाते हैं? अंगूठी पहन लो, अंगूठी अंगूठी कहाँ अंगूठी अंगूठी पाउडर लगा लो पाउडर। हाँ वाह आप तो बिल्कुल ट्रेंड हो चुके हो। हो जाता है देखते रहेगा बच्चे, इतने छोटे बच्चे भी सोचते हैं क्या खाओ कौन। Much, much, much later. ये बन गई हमारी पूड़ी और ये हमारी मौसी मैं आंटी मौसी अरे हमारा डुगू अरे मौसी
ये सारे बच्चे वाले हो चुके हैं। कैसा लग रहा है बच्चा होने के बाद आपका जीवन कैसा है? कठिनाइयों से भरा हुआ। रास्ते में बहुत से कंकड़ आए, हमने सबको पार किया, अब हमें आप इंडिया भेज रहे हैं। हम चाहे तो अपने घर में एक छोटा क्रेच खोल सकते हैं। हम बच्चे ही बच्चे नहीं, उसके लिए कुछ और टाइम लगेगा, एक दो साल में। 2000 years later. तो हम घर पहुंच गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, पूरा दिन ऐसे ही चला गया, पता ही नहीं चला। बट हाँ, रक्षाबंधन बहुत अच्छा से हो गया और कुकू ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, आपने देखा ही ब्लॉग में। सो या, आई एम एंडिंग माई ब्लॉग हियर ओनली। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।